आज विश्व पार्किंसन रोग दिवस आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल ने न्यूरोलॉजी विभाग पक्ष दिवस पालन करा जाय छी। न्यूरोलॉजी विभाग डाक्तर नर्स अन्य कर्मचारी माने पदयात्रा बाहरी हॉस्पिटल परिसर को परिक्रमा करिसंती। पार्किंसन रोग विशेषकर 50 वर्षर ऊर्ध वयस्क मानकर क्षेत्र रे एहा देखा जाय थाए। ए रोग हेले हात थरीबा चाली न पारिबा आउ सेजरे सज्जाशायी होइथांती रोगी शरीर रे डिफोमिन कमिले पार्किंसन रोग होइथाय। ए रोग संपूर्ण भल हुए नाही किंतु डाक्तरंकर तत्वावधान रे औषध खाइले संपूर्ण नियंत्रण रे रहिबा सहित शरीर सुस्थ रहिथाय। परिवेश प्रदूषण खाद्यपेय संतुलन बिगिड़ जावा टेंशन भले अनेक कारण पार्किंसन रोग सृष्टि करिथाय बोली डाक्तर कहिछन्ती। आमर एप्रिल मास होची वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज अवेयरनेस डे, तो आम 11 एप्रिल को यूजुअली वर्ल्ड पार्किंसन डे हिसाब से सेलिब्रेट करू। आउ एप्रिल मास आम पार्किंसन डिजीज रो अवेयरनेस हिसाब से आम पालन करथाउ। तो पार्किंसन डिजीज होची गोटे प्रकार गति संबंधी रोग जोटा कि मूवमेंट जोटा कहीथाउ, जो थे यूजुअली गति बहुत क्षीण हो जाए बा स्लो हो जाए, रोगी स्लो हो जाती, हाथ थरिया हुए, हाथ स्टिफ हो जाए, कामदाम करिया स्लो हो जाती, बारंबार पड़िया भी होता है। तो ये प्रकार बहुत गति संबंधी लक्षण दिए पार्किंसन रोगी मैंने आम गति करता। देखो आज हूँ पृथ्वीर पार्किंसन डे। एम पार्किंसन जड़े बड़ सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये ये डिजीजा को प्रथम प्रथम पृथ्वी से आविष्कार कले। भाया सिम्टम हेले आम पार्किंसन कहवा, यहाँ हूँ एजिंग प्रोसेस हुए शरीर में गोटे डोपामिन बोले केमिकल कम हेले रोग होता है। से लगे आम सचेतनता बहुत दरकार। से सचेतनता लगे आज डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी आई एम एस हॉस्पिटल रु सका भी रैली और आप गोटे सेमिनार भी अच्छी सीएमई रे डिस्कशन हम आउ कौन कले आम सोसाइटी को जनई पारा ये जो रोग मुवमेंट डिजर्डर सब अच्छी पार्किंसनिज्म अच्छी तार केमी लोक मैंने कमन मैन केमी जापर आइडेंटिफाई करें तार ठीक ट्रिटमेंट नहीं कि गोटे सुस्थ जीवन जापन करें।